श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबका खूब सौभाग्य है, परम सौभाग्य है गौ सेवा के लिए सदा समर्पित हमारे ब्रज की शोभा, और अब तो हमारे भोपाल की भी शोभा रामानंद परंपरा के सहज सरल सौम्य के अत्यंत कृपा पूर्वक हमें आशीर्वाद देने का हम सबका खूब सौभाग्य है। बहुत करुणा है पूज्य महाराज, गौ सेवा के लिए आपका संपूर्ण चिंतन है, गौ सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति रहे और साधु साही जीवन अत्यंत सरल सौम्यता से भरे हुए। आज ठाकुर जी का ब्याह है तो सब भगवान के गोपाल पधारेंगे, भगवान के निज प्रेमी जन पधारेंगे, तब ठाकुर जी की बरात लगेगी। आज जरासंध ने आक्रमण किया, जब बार बार जरासंध आता तो यमुना भाई श्री यशोदा मैया दुखी होती, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस यशोदा मैया ने चिट्ठी में लिखा, राजा तू मथुरा रहे चाहे कहीं रहे, हमारे पास तो है नहीं लेकिन मेरे हृदय को बहुत कष्ट होता है, जरासंध बार बार आता है, इतना उत्पात मचाता है, लाला छोड़ के चला जाते हैं। और श्री यशोदा जी की चिट्ठी को पढ़ के श्री ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, मेरे प्रभु द्वारिका धीश हुए, द्वारिका में भगवान पधारे। भगवान जब भागे तो कार्यावरण ने पीछा किया, मुझको उनके द्वारा उद्धार कराया, भगवान द्वारिका में निवास किए। रघुवंश के एक राजा है महाराज रविवर, अनाताधिपति श्री बड़ा पुत्र रुक्मी था, अत्यंत कार्तिक बहन होने के कारण रुक्मी पर गया। ये भगवती रुक्मणी श्रवण विद्या की आचार्य है, अद्भुत भगवती रुक्मणी का चरित्र है। कल जब भगवान की ग्रस्त लीला का हम वर्णन, श्लोकों की चिट्ठी लिखी, एक ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण को भेजा है, भगवान को चिट्ठी में निवेदन किया है कि सिंह का हिस्सा सियाल लेके जा रहा है, प्रभु क्या कर रहे हैं, मैं आपकी हूँ मुझे स्वीकार कर। ब्राह्मण के द्वारा स्वसंतान शिवान भगवान कृष्ण, ये अंतर है गोपियों के और रुक्मणी जी के मामले में। भगवान जब माधुर्य लीला करते हैं तो गोपियां कहती है नंद गोप सुतम देवी पतिर में, गोते नंद नामक गोप का जो लाला है वो है।